अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ तो क्लास सेवेंथ आज हम कर रहे हैं आपके इंग्लिश में विंडो ठीक है ये जो है आपकी पोइम फर्स्ट जो पोइम है क्लास सेवेंथ का जो फर्स्ट पोइम है वो विंडोज़ है ठीक है ना ये जो विंडोज़ जो आ, एक पोइम है वो किसने लिखा है वेस मैगी वेस मैगी ने लिखा हुआ है ठीक है तो यहां पर पोएम क्या करते हैं ये जो पोएट है ठीक है द पोएट हु वॉज नोन फॉर हिस कंट्रीब्यूशन टूअर्ड्स चिल्ड्रंस लिटरेचर यानी कि ये पोएट जो है यानी कि वेस मैगी जो है इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन जो है इन्होंने जो कुछ भी लिखा वो अपने अपने नहीं, वो बच्चों की सारे बच्चों की ठीक है बच्चों की लिटरेचर यानी कि पोएम्स स्टोरीज ये सब टूवर्ड्स बच्चों के लिए लिखा हुआ है ठीक है और द पोएम इज अबाउट अ स्टूडेंट हु लॉन्ग कॉरिडोर एंड सीज डिफरेंट थिंग्स यानी कि पोइम किस चीज के बारे में है ये जो पोइम विंडोज पोईम जो है ये जो है एक ऐसा स्टूडेंट जो लॉन्ग कॉरिडोर्स में वो वॉक कर रहा है वो चल के जा रहा है और वहां पर उसको बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज उन्होंने देखा अब हम जब पोइम पढ़ेंगे आपको फिर पता लग जाएगा कि पोईम किस चीज के बारे में है ठीक है नाउ हियर इस से विंडोज ठीक है सबसे पहले ऑन द वे टू माय क्लासरूम यहां पर देखो माय सबसे पहले माय आया यहां पर माय या फिर उसके बाद आई वर्क डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर यहाँ पर आई आया ऑन द वे टू माय और जो आई आया तो फिर यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है पोइट यानी कि पोइट कौन वैश मैगी को, को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि वैश मैगी खुद बोल रहा है ऑन द वे टू माई क्लास रूम जब मे क्लास रूम यानी कि वेस्ट माई की जो क्लास रूम की तरफ जा रहा है आई वर्क डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर में लॉन्ग कॉरिडोर बहुत ऐसे लंबे कॉरिडोर ऐसे लम्बे वाला जो हमारे स्कूल्स में होते हैं जैसे लॉन्ग स्कूल्स uh, के बिल्डिंग में होते हैं एक कॉरिडोर होते हैं फिर उसके बाद क्लास क्लास लेफ्ट साइड क्लास राइट साइड क्लास होते है इस तरह लॉन्ग कॉरिडोर में पास द हंड्रेड ऑफ बुक्स दियर पिक्चर जैकेट्स एंड कलरफुल एंड ब्राइट ईच वन ऑफ अ विंडो ऑन टू वर्ल्ड आई हैव नेवर है विजिट इज द से पास द हंड्रेड ऑफ बुक्स जब वो लॉन्ग कॉरिडोर से चल के जा रहा था तो फिर वहाँ पर क्या था हंड्रेड्स ऑफ बुक्स वहाँ पर पड़े हुए हैं. डियर पिक्चर जैकेट यानी कि किसकी डियर यहाँ पर डियर एक शो कर रहा है किसी की पिक्चर यानी कि किसकी पिक्चर हंड्रेड्स ऑफ बुक्स की पिक्चर जैकेट मीन यहाँ पर बुक्स जो है उसका कवर उस उसपे पिक्चर्स है ठीक है अब कौन सा कौन सा पिक्चर्स है कलरफुल बहुत कलरफुल बहुत कलरफुल पिक्चर है ब्राइट है ईच वन अ विंडो ऑन टू द वर्ल्ड आई हैव नेवर विजिटेड विंडो हर उस किताब में एक विंडो की तरह है ऑन टू दर्ल्ड आई कि उस बुक में ठीक है यानी कि यहाँ पर विंडो का मतलब अब पता हमें लग गया विंडो एक बुक्स है ठीक है एक बुक्स के अंदर जाते ही अलग अलग हर एक बुक का अलग अलग दुनिया है अलग अलग वर्ल्ड है जो है मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा यानी कि आई हैव नेवर विजिटेड मैंने अभी तक कभी नहीं देखा ठीक है नाउ सेकेंड पैराग्राफ यहां से फर्स्ट पैराग्राफ उन्होंने उसके बारे में बताया था नाउ आई कैन सी एलिफेंट जैसे ही उन्होंने बुक खोला आई कैन सी एलिफेंट ऑन अ प्लेन इन अफ्रीका अ जेट एयरलाइन क्रोसिंग फार्हाइट क्लाउड वॉटरफॉल आइसबर्ग एंड केफम फाइटिंग अब वाइल्ड द फैमिली को ओवर इन द केफ ठीक है नाउ हियर उन्होंने क्या बोला एक बुक खोल के उन्होंने देखा तो क्या उन्होंने क्या देखा आई कैन सी एलिफेंट उन्होंने एक एलिफेंट देखा जो ऑन अ प्लेन इन अफ्रीका जो अफ्रीका में एक प्लेन जगह में बिल्कुल प्लेन में वहां पर उन्होंने एक एलिफेंट देखा जेट एयरलाइन क्रूसिंग जेट एयरलाइन नाउ हियर इज द से वर्ड इज द क्रॉसिंग मीन्स क्रॉसिंग मीन्स और एट अ कंटिन्यूस स्पीड यानी कि एक जेट एयरलाइन जो क्रूजिंग कंटिन्यूस यानी कि जब आप बुक्स खोल के आप देख रहे थे कंटिन्यूस जेट एयरलाइन क्रूजिंग की तरह वो कंटिन्यूस कंटिन्यूस हम देखते जा रहे थे फार अब वाइट क्लाउड्स बहुत दूर से उसको एक वाइट क्लाउड्स देखा वाटरफॉल देखा आइसबर्ग आइसबर्ग जो होता है जो आइस की ऐसे माउंटेन होते हैं बिल्कुल ऐसे सी के बीच में एक आइस का माउंटेन होता है ठीक है एंड केफमैन आर साइबर टूथ करके ऐसे एक जानवर होता है उसके साथ जो केफ मैन जो केफ में लोग बैठते है वो लोग fighting करते हुए उन्होंने देखा वाइल्ड द फैमिली कोवर इन द केफ बाकी सब फैमिली केफ में बैठा हुआ है सिर्फ एक केफमैन जो है उससे फाइट कर रहे थे ठीक है नैक्सट पैराग्राफ डेटेड प्ले ग्राउंड द ग्रे नवेंबर स्काई रोस ऑफ हाउस एंड बियड दिस द चिमनी ऑफ अ क्लोज डाउन फैक्ट्री ठीक है नाउ हियर उन्होंने बोला सच प्लेसिस सच वर्ल्ड उन्होंने जो पहले देखा वो एक ऐसा प्लेसिस एक ऐसा दुनिया बैक इन क्लास देयर आर विंडोज़ जब मैं वापस क्लास में जा रहा था वहाँ पर क्या था बैक इन अ क्लास जा जाके जब वापस आ रहा था उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा बुक्स देखा लुकिंग ऑन टू द वर्ल्ड आई नो वेल जब मैंने एक ऐसा बुक्स देखा जिस बुक के अंदर जो जिस बुक के बारे में मुझे पता है मुझे सब कुछ पता है उसने क्या देखा आई सी दैलेट प्ले ग्राउंड प्ले ग्राउंड जो है वो स्कूल में है तो ऑलरेडी प्ले ग्राउंड है आई सी अ अब एक प्ले ग्राउंड है डेजर्ट ठीक है सैंड है है ठीक एक ऐसा प्ले ग्राउंड द ग्रे नवंबर स्काई यानी कि एक नवंबर स्काई नवंबर स्काई में क्या होता है जो स्काई जो होता है कंप्लीट क्लियर होते हैं ठीक है नवंबर स्काई जो है स्काई में हमेशा क्लाउड होता है क्लियर नहीं क्लाउड होते हैं द ग्रे नवंबर स्काई रोज ऑफ हाउस एंड बियॉन्ड दिस रोज़ ऑफ हाउस, हर हाउस एक रोज में बहुत ज्यादा हाउस होते हैं हाउस इस तरह से हाउस होते हैं और उस हाउस में द चिमनी आर क्लोज डाउन फैक्ट्री यानी कि हर घर में से क्या होते हैं एक चिमनी क्लोज यानी कि चिमनी जो क्लोज होता है चिमनी जो होता है वो सारा फैक्ट्रीज बंद हो के हाउस के वहाँ से चिमनी चल रहा होता है आई एम ऑलवेज विलिंग टू टेक दिस रजिस्टर टू द ऑफिस यानी कि मैं इस सारे बुक्स में बुक्स को देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ यानी कि मैं ऑफिस में रजिस्टर भी कर सकती हूँ और मैसेज टू अदर क्लासरूम फॉर देन आई कैन वर्क डाउन

फिर से वहाँ पर वो देखते रहे वहाँ पर थ्रू द बुक जैकेट विंडोज थ्रू द बुक जैकेट विंडोज मीन्स उस बुक के कवर को उन्होंने फिर से देखा ऑन टू द वर्ल्ड उस दुनिया को वो फिर से देखना चाहते थे फिर से विलिंगली वो अगेन उसको देखना चाहते थे दैट ही हैव नेवर विजिटेड यानी कि उन्होंने वो वाला वर्ल्ड उन्होंने कभी नहीं देखा जो आइसबर्ग है वो सब है उन सब को वो फिर से उस जगह पर वो देखना चाहते हैं ओके दिस इज द पोएम 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 दिस दिस इज इज अ अ चाइल्ड चाइल्ड विंडोज बाय वेस मैगी सो यहाँ पर थोड़ा जब uh, ये जो आई सी द डेजर्ट प्ले ग्राउंड द ग्रे नवंबर स्काई रोज ऑफ द हाउस एंड बियॉन्ड दिस द चिमनी आर क्लोज डाउन फैक्ट्री ये जो है ये जो है उसका एक फिर से वो रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं एक ऐसा प्लेसिस जब वो क्लास से बुक से निकल जाते हैं तो ये वाला प्लेसिस उसके ऑलरेडी यानी कि उनको वो देख रहा है और ये जो है वो बुक्स में है और ये जो है लास्ट पैराग्राफ है वो फिर से ये वाला जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा जो एलिफेंट्स है जेट क्रॉसिंग है आइसबर्ग है उसको फिर से देखना चाहते हैं ठीक ठीक है ठीके? तो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ जो है फर्स्ट पैराग्राफ में वो ये बताते हैं जब मैं क्लासरूम की तरफ जा रहे थे लॉन्ग कॉरिडोर में, ठीक है तब उन्होंने एक बुक्स देखा उस बुक्स में खोला तो उन्होंने सेकेंड पैराग्राफ वाला देख लिया और थर्ड पैराग्राफ जो है उन्होंने मतलब वो रियल जो वर्ल्ड उन्होंने जब जैसे वो क्लास में जाके उन्होंने रियल विंडोज में देखा तो ये सब था फिर उसके बाद लास्ट में वो व्हीलिंग करते हैं वो जो सेकेंड पैराग्राफ में हमने पढ़ा वो फिर से उसको देख के वो गेस करते रहे यानी गेस मीन्स स्टेयर यानी कि देखते रहे ठीक है एक जगह पर देखना चाहते थे ओके सो दिस इज द विंडोज पोइम बाय वेस मेगी ओके थैंक यू सो मच